हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है जफर अली, मैं करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो यार आज जो वीडियो देख रहा हूँ वो एम सी स्टैंग स्पोर्टिंग इन द सिटी। अब ये कौन सी सिटी है मुझे बताइएगा, हर एक ने लिखा होता है सिटी सिटी, ये बॉलीवुड सिटी है या जो भी है, आई थिंक मुंबई होगी। तो उसकी वीडियो देख रहा हूँ, तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इज्जत और जिल्लत ऊपर वाले का। अच्छा ये लिखा क्या हुआ है चीन के जो लॉकेट के आगे, कुछ लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मैं उर्दू कितने का था। कितने का रिकॉर्ड उनका डायलॉग चेक कर दे रहा भाई लोग। प्रमोशन हुई है इसका, मतलब पोस्टर लग के ग्लासेस थोड़ी डिफरेंट अच्छी लगी। एम सी स्टैन थोड़ा 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 सा पीछे हो जाओ। कुछ बोल रहे हैं वो सुन रहा, आप लोग भी सुन रहे हैं। हमारे साथ पलट पालोनी में आज है बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन जी। ओ न्यूज़ वाले, वो खुद इतनी बड़ी चैनल से आया तो अपने पूरे बॉम्बे ने सपोर्ट करा भाई, हक से नहीं गया मुंबई में, हक से भाई नहीं गया, पब्लिक ने अपने मलयाड वाली पब्लिक ने नहीं गया, अपने भाई लोग ने सबने सपोर्ट करा, बहुत प्यार भाई लोग। फ्री टाउन से बिग बॉस तक का सफर कैसा रहा? हाँ वाकड़ा तिकड़ा भाई। यार इसकी लैंग्वेज मरियम कोई नहीं आया था, क्या था ना भाई। मेरी पब्लिक हक से फुल मेरे को प्यार करती इंटरनेट पे। सॉन्ग है ये क्या? अच्छा ये वो दूसरे वाले है, उसने ऐसे ऐसे लाया अच्छा इनकी टांग को बंद आता है उन्होंने ना। नहीं टांग नहीं है इसके, वैसे ही बंदा घोड़े लगा लेना।
कौन ना कौन अंदर तो गारंटी ली थी मैं भी यार कितना बीन क्रिएट कर रहे हो यार ये बाल दर्द नहीं करता सर इस तरह जिस तरह इन्होंने बांधे होते हैं है ना मुझे देख के लगता है पता नहीं अब एक्सपीरियंस कैसा होता होगा वही ये इसका इंटरव्यू भी है प्रियंका का ये भी मेरे सामने शो हुआ है क्योंकि मैं लाइव देखता हूँ यूट्यूब पे मैं डाउनलोड शेयर नहीं करता तो देखेंगे यार लाजमी देखेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा खैर इसकी लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट है और मुझे अच्छी लगी है क्योंकि मज़ा आता है सुन के यार ये एक डिफरेंट स्टाइल है वो जिस तरह बोलता है ना कि नहीं भाई आप नहीं जाएगा तो अलग ही स्टाइल है मैं कम ही सुनी है लैंग्वेज इस तरह की खैर कंग्रेचुलेशन फिर एक दफ़ा इंजॉय करना चाहिए यार ये मोमेंट्स ऑब्वियसली ये टाइम नहीं आना अभी जो चल रहा है ये 3-4 हफ्ते जो है ना ये सही से पीक पे इसको इंजॉय करना चाहिए सॉन्ग मेरे ख्याल से निकाल देना चाहिए 4-5 दिन के अंदर अंदर तो उसका अलग ही स्वैग होगा तो अच्छी थी वीडियो रिक्वेस्ट थी यार कि वीडियो देखें तो साहब लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चलें वीडियो एंड करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ Gotta give him some rich.